2024 की जंग में कौन मारेगा बाजी, हर सियासी दल की जोरों पर है तैयारी। भाजपा की अगुवाई में 38 दलों वाली एनडीए के खिलाफ विपक्षी एकता ने अपना खुद का इंडिया बना लिया है। विपक्ष का इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसमें 26 सियासी दलों ने भाजपा के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। एक ओर जहां इंडिया को लेकर विपक्ष पूरी तरह उत्साहित है, तो दूसरी तरफ भाजपा इंडिया से कैसे लड़े इसे लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला करने के लिए कांग्रेस के इतिहास को हथियार बनाया। इसके लिए इंदिरा का इतिहास दोहराया। देखिए, ये राहुल गांधी जी उसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिस परिवार ने पूरे भारत को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखा था। उनके ही पूर्वजों ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करने वाले लोग हैं और भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इंदिरा गांधी के सहारे कांग्रेस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमला तो बोला ही, साथ में यूपी में अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को भी लेकर जोरदार हमला बोला और उसे गुंडों की पार्टी बताया। साथ ही आगे भी कहा कि जनता उनकी गुंडागर्दी का हिसाब करती रहेगी। उत्तर प्रदेश में चार चार चुनाव में बुरी तरह परास्त हुए हैं, 14, 17, 19 और 22। 24 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी बुरी तरह परास्त होगी। उत्तर प्रदेश जनता उनकी गुंडई, अराजकता, दंगों को कभी भूलेगी नहीं और उनको इसका खामियाजा जीवन भर भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी भी उसी तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उनके 1, 2, 4 चार नेताओं का नाम देखेंगे तो एक ही परिवार के हैं। बता दें कि 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक में 2024 को लेकर चुनावी रणनीति बनाई गई, जहां मोदी शाह के खिलाफ नहीं जनता के मुद्दों को एजेंडे में रखा गया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट कर बैठक के बारे में बताया कि बेंगलुरु में हुई इंडिया की बैठक में लोगों से जुड़े मुद्दे, एजेंडे और चुनौतियों पर चर्चा की गई। मोदी पर जीरो डिस्कशन हुआ, यानी विपक्ष की सोच एकदम साफ है, पीएम मोदी के खिलाफ मोदी की नीति नहीं जनता के मुद्दे ही विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार होंगे। तभी तो विपक्ष को भरोसा है कि इस बार विपक्ष की इंडिया 2/3 से ज्यादा सीट पर जीतेगी। मीटिंग जरूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। बहरहाल एक बात तो साफ नजर आ रही है, विपक्ष की इंडिया ने अपने नाम से ही 2024 के जंग में पहली बढ़त बना ली है, जिसके खिलाफ भाजपा नेताओं की खीज सामने आने लगी है। भाजपा के दिग्गज नेताओं को सरकारी कार्यक्रम में भी विपक्ष की बैठक को लेकर सियासी हमले करने पड़ रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में भाजपा विपक्ष की इंडिया के खिलाफ कौन सी रणनीति अपनाने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।